प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक क्लास नाइन्थ के मेरे प्यारे से बच्चे, आप भी यार सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, अगर माध्यम हिंदी है और थोड़ा सा इसमें इंग्लिश बहुत यूज किया गया, तो मैं प्योर सीबीएसई बोर्ड तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड से हिंदी माध्यम से, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा ये। और आपको पिछले दो लेक्चर करा दिए गए हैं दूसरे चैप्टर का, आज हम तीसरा लेक्चर लिखा है, एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर दो लेक्चर और आएगा शायद, इसके बाद एक में एक क्वेश्चन आंसर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए या दो लेक्चर लाएंगे, वो निर्भर करेगा ड्यूरेशन पर कितने बार लेक्चर होगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सेपरेशन पढ़ेंगे कि मतलब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो गए तो उसको कैसे अलग करेंगे, इसकी दो विधि आज हम इस चैप्टर में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। भाई चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होगा, आपको दिखाते हैं मैं कि लेक्चर तीन यहाँ से लेकर आएंगे। एक आपके लिए सजेशन होगा, सलाह होगा, छोटा सा बच्चों के लिए आदेश है कि आपको क्या करना होगा। चैप्टर जितना टॉपिक हम पढ़ा के जा रहे हैं, आप उसको रीड करना आपका जरूरी है। आप रीड करेंगे ना तो आपको फील आएगा कि हम तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में, जब आप लेक्चर पहले कर लें उसके बाद जाकर पढ़िएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, आपको और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। सर अब क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे सर बिलियन गुण पढ़ते हैं, सर बिलियन के जब हम गुण पढ़ेंगे सर, सॉल्यूशन के गुण क्या होते हैं। चलो तो बिलियन एक प्रकार क्या है, समांगी मिश्रण है, आप जानते हैं बच्चे जी। पहला गुण इसका कि टाइप ऑफ मिक्स, इसको अगर हम मिश्रण के इसका प्रकार पढ़ें तो ये दो बिलियन के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब सर जिसके पार्टिकल सब एक जैसे हों, ठीक, और पार्टिकल कौन के साइज के आधार पर चेक करेंगे इसको हम, तो ये कहलाते हैं खुली आंखों से सर इसको हम नहीं देखा सकते हैं। आप अगर मैं आपको चीनी को पानी में घोल दूँ, बोलूँगा आप चीनी के पार्टिकल देख लें, क्या दिखाई देगा, नहीं देता है ना सर, वो बिलियन है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो साइज होते हैं उसके सर लेस देन एक नैनोमीटर से भी कम होता है। इसको एनएम को पढ़ते हैं नैनोमीटर, एक नैनोमीटर से कम होता है, इसीलिए उसको एक नैनोमीटर से कम होता है। एक नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10^-9 मीटर, अर्थात बोले तो 1 मीटर बाई 10^9, यानी 1 मीटर को 10^9 से डिवाइड करोगे, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि आप उसको देख नहीं सकते हैं। दो हो गया, तीसरा प्रॉपर्टी है इसका पारदर्शी और पराभासी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ते हैं, और इसे हम ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ें सर। तो ये पानी में कॉपर सल्फेट जो होता है इसका बिलियन, वो क्या कहलाता है सर, ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका सर ब्लू सॉल्यूशन जो होता है नीला बिलियन, वो पारदर्शी बिलियन होता है सर, ठीक। और कलरलेस रंगहीन पानी और चीनी, ये आप घर पर ही बना सकते हैं सॉल्यूशन। चलो अब सर इसको हम सांद्रता के आधार पर चेक करेंगे, तो सर बिलियन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेशन और एक होते हैं सर डाइल्यूट, सांद्र बिलियन और तनु बिलियन, ठीक, हम दो पढ़ेंगे। इस बार क्वेश्चन में हम करेंगे सर, अगर बिलय द्रव्यमान की मात्रा, बिलायक की मात्रा के आधार पर चेक किया जाए, अगर मैं आपको दो चीज़ दिखा रहा हूँ सर, एक मैं देख रहा हूँ सर पानी है, दोनों में पानी बराबर है सर, इसमें पानी सर कितना है 50 ml वाटर है सर, इसमें भी कितना है 50 ml वाटर है, लेकिन इसमें सर चीनी क्या है सर, ज़्यादा है मान लो, और इसमें सर चीनी कम है अगर, तो क्या कहेंगे, ए की तुलना में बी अधिक सांद्र है, क्या बोलेंगे सर। देखो चीनी लेवल ज़्यादा है, इसमें चीनी इतना है, इसमें चीनी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर ए की तुलना में बी की सांद्रता ज़्यादा है, बी क्या है, अधिक कंसंट्रेशन है, होगा अधिक कंसंट्रेशन है, अधिक सांद्र है, ओके। चलो बिलियन के प्रकार हम पढ़ेंगे सर, तो बिलियन के प्रकार हम बात करें तो सर अगर देखें सर सॉलिड इन लिक्विड के आधार पर, सॉलिड इन लिक्विड इन ठोस और द्रव में बिलियन के आधार पर, और लिक्विड इन लिक्विड के आधार पर चेक करेंगे अगर, तो सर जो ठोस और द्रव का बिलियन होगा तो उसमें जो ठोस सॉलिड होगा वो विलय कहलाएगा, और जो लिक्विड होगा वो विलाय कहलाएगा, यानी सॉलिड ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट और ये सॉलिड। लिक्विड में सर जो द्रव होगा सर वो भी विलय होगा, एक द्रव जिसमें डिजॉल्व होगा और सर वो विलायक होगा। सर नीचे क्लियर हो जाएगा, यहाँ देखिए मैंने कहा, और इसका सर हम कुछ बात करें, सॉलिड इन लिक्विड यानी ठोस द्रव बिलियन को हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के समय मेरे पास फार्मूला होगा, द्रव्यमान द्वारा अगर द्रव्यमान मास बाय मास परसेंट के द्वारा, और मास के द्वारा मास परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉलिड जो ग्राम में होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी ग्राम में होगा, और इनटू परसेंट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट लगा देंगे, तो ये द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। अगर सर आयतन द्वारा द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूट विलय की मास विलय का द्रव्यमान, इसको हिंदी में कहेंगे सर सॉल्यूट मतलब विलय, विलय का द्रव्यमान बटा में बिलियन की पूरा आयतन, बिलियन का आयतन गुना, और आयतन किस में लेना है सर मिलीलीटर में लेना है, और परसेंट 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 7% उसका। इसका एग्जाम्पल होगा सर पानी में साधारण नमक का बिलियन, और इसका हो जाएगा पानी में साधारण नमक
मात्रा के हिसाब से 10% अधिक द्रव्यमान। चलो इसको सर क्वेश्चन करेंगे हम। एक ml जो होता है सर 10^3 लीटर के बराबर होता है, और एक लीटर या उसको बोल सकते हैं -3 लीटर है, उसको बोल सकते हैं 1 लीटर / 10^3। और हम बात करें सर सॉलिड सॉलिड और कि मान लो सॉलिड क्या है सर, सॉलिड के रूप में सर आपके पास 10 ग्राम नमक है, सॉल्वेंट के रूप में आपके पास पानी है सर 90 ग्राम। तो जो बिलियन बनेगा, बिलियन बिलियन कितना बनेगा बच्चा जी, तो बिलियन का द्रव्यमान जो हो जाएगा बिले का द्रव्यमान बटा विलायक, विलायक था 90 ग्राम और बिले था 10 ग्राम, 100 ग्राम का आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। यहाँ चेक करेंगे सर अगर हम पानी के साधारण नमक की मात्रा में हिसाब से 10% द्रव्यमान। चलो अब इसमें क्या करें सर, अगर हम पानी लिए सर उसमें 10 ग्राम सॉल्ट लिए हैं, ठीक है सर, तो इसको बोलेंगे सर पानी के हिसाब से 10% 10 ग्राम इसमें क्या है सर साधारण नमक की मात्रा है। सर इसका कैसे निकालेंगे सर मास परसेंट, तो लिखेंगे मास बराबर 10 ग्राम, क्या था फार्मूला बिले, फार्मूला में चेक करो क्या था मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 100 से 100 कटेगा आपका 10 बचेगा, ये परसेंट में आ गया, मास परसेंट था, तो द्रव्यमान परसेंट कितना गया, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया 10%। ठीक है, आपको इसके बुक में सवाल भी दिएंगे, आप बिल्कुल ट्राई करेंगे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ये आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ यहाँ पर सूत्र दिया गया है, जैसे कि एक बिलियन है 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक बिले हैं, बिलियन की सांद्रता परिकरण करें, आप बनाएंगे तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, आफ्टर डिजॉल्विंग 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक 15 ग्राम है इन वाटर में सॉल्यूशन, वेट उसका जो है 115 ग्राम है, व्हाट विल द मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, क्वेश्चन हो गया। चलो सर इसको कैसे बनाओगे, आप तो पढ़ के आ गए हो सर, अगर तुम 15 ग्राम नमक को घोलोगे तो उसका वजन कितना सर है 115 ग्राम है, अर्थात बिलियन का द्रव्यमान जो द्रव्यमान प्रतिशत दर होगा क्या होगा, आपको सर इसमें उसी क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या बच्चे इसको क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ जल्दी से क्वेश्चन करो, तो चलो बच्चे करेंगे इसके आधार पर, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया गया है 15 ग्राम, उसमें सॉल्यूट घोला गया था 115 ग्राम, बिलियन है, काटोगे सर तो इसका जो भी हिसाब डिवाइड कर दोगे तो 13.04% आएगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको ट्राई करेंगे क्या बच्चे, बच्चे इसको ट्राई करोगे, देखो पूछा गया कि एक ग्लूकोज का द्रव्यमान जो है का द्रव्यमान का 15% द्रव्यमान 200 ग्राम घोल बोलते बच्चे बिलियन बनाने में क्रिया आवश्यक है, और 15% द्रव्यमान होगा ग्लूकोज का तो 200 ग्राम का बिलियन बना सकता है, तो ग्लूकोज के द्रव्यमान की गणना करें, तो ग्लूकोज का एक क्वेश्चन थोड़ा सा मूव किया गया लेकिन बन जाएगा आपसे। देखो आप क्या पढ़ रहे हैं सर, मास परसेंट जो होता है सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया सर 15% दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट सर कितना है नहीं पता आपको, ये नहीं पता है सर तो आपको एक्स मान लिए, क्या मान लिया आपने एक्स मान लिया, और बटा में सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम है, 100 से गुणा किया कट गया 30 ग्राम आपका आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 यहाँ बचेगा 20 15 दूना 30 30% 30 ग्राम आएगा। इसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो कितना दिया था मास परसेंट कितना दिया है सर 15%, और ये नहीं पता आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसका सर ये दे दिया आपको सॉल्यूशन दे दिया 200 ग्राम, और आपको पता है सर इसको 100% के लिए 100% गुना करोगे, 100 से गुना करोगे परसेंट है तो कट गया, अब इधर गुना करोगे सर कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 15 दूना 30, एक्स का वैल्यू निकालना है सर तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बराबर का साइन था, चलो मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूना 30 30 हो गया, और ये परसेंट से परसेंट भी कर सकते हैं सर हम, तो बचेगा मेरे पास 30 और ये ग्राम है तो ग्राम बचेगा और एक्स का वैल्यू आ गया, अर्थात हमको कितना ग्लूकोज बोला था तो हमको ग्लूकोज का 30 ग्राम द्रव्यमान चाहिए मास। अब बोला गया सर क्वेश्चन में ग्लूकोज की द्रव्यमान की गणना करें, उसके द्रव्यमान की गणना करना है सर तो कर लो, आपको पढ़ाया गया सर कितना 200 ग्राम आपके पास क्या है सर, आपके पास 200 ग्राम टोटल ये है,
और आपको 30 ग्राम ग्लूकोज है। बिलियन कैसे बनता है? बिलियन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलो तो एक्स का वैल्यू कैसे, इसमें से 200 घटा में 30 घटा लो तो आपको 170 ग्राम चाहिए ग्लूकोज। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन सी मैच करेगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, आप जरूर ट्राई करेंगे सारे सवाल को, डरना नहीं है। क्लास 11th में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बहुत करने होते हैं। अभी छोटे क्लास में तो बहुत दो चार दिए तो ऐसा मत करो, लेकिन अब हम थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे। 50 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ कोई ये से कि पानी में घुलनशीलता है 28.6% है, आयतन द्रव्यमान जब 50 डिग्री सेल्सियस पर इसके 50 ml संतृप्त घोल को 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो 24.4 ग्राम अलग हो जाते हैं, और 40 डिग्री आयतन दर पर पानी में 5 S की जो सल्फर है यानी S की घुलनशीलता कितनी होगी। तो पहले देखो, पहले क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया 50 डिग्री पर इसका हम निकालते हैं आयतन दर, आयतन क्या फॉर्मूला है, वही मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन सॉल्यूशन और वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100%। ये कितना दिया है सर? 28 इतना परसेंट दिया है। ये नहीं पता, एक से लगा दो, कट दो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा सर। ठीक है सर, 50 से गुना कर दो इसमें, तो 50 गुना, चलो ये दो बार में कट गया। ठीक है सर, ये दो गुना में है सर, इसके डिवाइड में चल जाएगा, ये दो गुना है सर, कहाँ चलेगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो अब 2.86 को 2 से डिवाइड करो, कट जाएगा आपका 14.3 ग्राम बर्म कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया। अब 40 डिग्री पर चेक करते हैं सर, 40 डिग्री पर बोला है बिलय का द्रव्यमान बटा बिलय का आयतन। चलो थोड़ा सा फार्मूला मिस्टेक हुआ है, एक मिनट बचे, थोड़ा फार्मूला में चेक करना है, फार्मूला चेक करना है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर बचे, थोड़ा फॉल्यूशन सॉल्यूशन सुधार दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूट, ये गलती है, थोड़ा पेन ला लीजिए मुझे, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा फार्मूला करेक्शन किया जाएगा, यहाँ पर आपको सॉल्यूट करना पड़ेगा, कल इसको यू बना, ये नहीं है सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसे लिखता है इसको, आप बिले लिख सकते हो इसको हिंदी में। चलो हो गया, चलो अब आते हैं सर, फिर अब 40 डिग्री पर निकालते हैं सर, 40 डिग्री पर तो ही यहाँ पर ठीक है, बिले के दरमियान बटा बिलाय का आयतन। ठीक है सर, तापमान सर पहले 50 था, ठीक, अब तापमान क्या है सर, 40 डिग्री है, तो तापमान घटा दोनों का सर घट कितना गया सर, पहले था 50 डिग्री सेल्सियस पर 14.3, यहाँ देखो 50 डिग्री पर कितना हम लोग निकाले हैं 14.3 ग्राम, तो सर जब तापमान 10 ग्राम और बोला है 10 डिग्री और कम करेंगे सर तो इसमें 2.4 ग्राम, बुक में इस आपको क्वेश्चन बोला गया था कि जब इसको हम 40 डिग्री पर ठंडा करते हैं तो इसमें 2.4 ग्राम अलग हो जाता है, तो अब तापमान कम किए हैं सर 40, तो यहाँ पर 2.4 ग्राम इसमें से और अलग हो जाएगा, ठीक है, और बटा 11.9 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, अब चलो इसमें से घटाएंगे इसको तो बचेगा मेरे पास कितना, बिलय का द्रव्यमान गुना आयतन, बट इतना बच गया। ठीक है सर, अब फार्मूला में सेट करो, फार्मूला क्या है, बिलय का द्रव्यमान कितना है सर 11.9 ग्राम, ठीक है सर, और बिलय का आयतन 50 ml है, और परसेंट कितना है सर 100। अब इसको सॉल्व कर लो, काटेंगे 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा सर, 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 25 बार में, 25 को इसको डिवाइड कर देना, ठीक है 25 से इसको डिवाइड कर देना तो आपको आ जाएगा 23.8%। ठीक है, ऑप्शन थे क्या 23, ठीक है ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है आपका लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड के साथ तरल, तरल भी बोला जाता है लेकिन सबसे अच्छा वर्ड होगा यहाँ पर तरल मत बोलें, आप सबसे अच्छा इसको द्रव बोलिए, द्रव, द्रव में जो भी हम पढ़ेंगे बिलियन। चलो इसके समाधान निकालने के लिए सर बच्चा जी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, और परसेंट ज्ञात किया जाता है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी आयतन, इसका हिंदी होगा बिलियन का आयतन मिलीलीटर में और बिलय का आयतन
बिले का आयतन मिलीलीटर में, ठीक है सर, क्योंकि दोनों लिक्विड है सर इस बार। हाँ सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक बिलियन में से 70 ml पानी है, में 50 ml आयतन प्रतिशत दर आयतन की गणना करना है। चलो तो देखो सर, इसमें 50 ml क्या है, एल्कोहल है, ठीक है सर। 70 ml क्या है सर, पानी है, ठीक है सर। आयतन दर आयतन निकालने के लिए सर फार्मूला था बिले का आयतन बटा विलयन का आयतन। चलो बिले का आयतन कितना था सर, 5 ml, बिलियन का आयतन कितना सर, 75 ml, और 100% से कर दो, ये काटोगे इसको सर जब भी आप, तो मतलब पहले आप 5 से काट दो तो 20-25 आ गया, और ये कटेगा 15-75, फिर 3 से काट 15 बार में, फिर 5 से काट दो, 5 × 3 = 15 3 बार में, और बच गया ऊपर 20, तो आपका बच गया कितना, ऊपर बच गया 20। इसको मैं थोड़ा फिर से सॉल्व कर देता हूँ, आपको डाउट कम आएगा। इसको मैं अभी फिर से ये कर देता हूँ कि आप फर्म आपका करना है सॉल्यूशन, 5 ml ऊपर आपका 5 ml, और नीचे आपका 5 ml बाई 75 ml इंटू 100%। चलो तो पहले का 5 से काटना, 15 × 75, 5 बार में कट, 5 से काटो गए 15 × 75, 15 बार में कट गया, 1500 काटो किससे, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15 और 20 पैसा है, आ गया 20/3, ठीक है, यही सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया 20/3। अब 20 को 3 से डिवाइड कर दो तो 6.66% आएगा। चलो जो ऑप्शन आपका डी दिख रहा है, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन बच्ची, थोड़ा मैथमेटिक्स आपका ठीक ठाक होना चाहिए, आप बन लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सर, एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक बिले हैं, बिलियन की सांद्रता परिकलन करें। चलो आप पढ़ते हो सर क्या कर दिया है, मैं आपको बुक वाला सॉल्व करा देता हूँ, आपके NCERT में क्वेश्चन दिया है। तो बिले जो है सर कितना है सर, 40 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है सर, इतना है, तो बिलियन के दरमियान निकलना है मास ऑफ द सॉल्यूशन निकलना है, तो टोटल बिलियन के दरमियान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 320 ग्राम विलायक और 40 ग्राम बिले, 360 ग्राम आपका हो गया विलयन, हो गया सॉल्यूशन, हो गया विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालो सर, तो विलय का विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना परसेंट 100%। अब सर कर दो, मान रख दो इनका मान है 40, इसका मान है 360, काट दो सर तो 0 0 कट गया, 4 × 9 = 36, 9 बार में 900 को डिवाइड कर दो, 11.11 ऐसा कुछ आएगा, तो 11.1% इसका आंसर हो गया। अब सर पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में, कोलाइडल के बारे में। देखो भाई, कोलाइडल सॉल और कोलाइडल दो अलग चीज़ है, मैं बोलता हूँ सर कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल को ही कोलाइड्स कहा जाता है, लेकिन कोलाइडल सॉल और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस, चलो तो कोलाइडल सॉल और कोलाइडल बिलियन, कोलाइडल सॉल को कोलाइडल क्यों नहीं कहते हैं, कोलाइडल सॉल्स को कोलाइडल बिलियन क्यों नहीं कहते सर, इसको बिलियन क्यों नहीं कहा जाता है, कोलाइडल सॉल्स में, कोलाइड्स में और बिलियन में क्या डिफरेंस है। चलो तो सर इसे ट्रू सॉल्यूशन से अलग करने के लिए कहते हैं कि सर ट्रू सॉल्यूशन में, और इसमें देखो वास्तविक बिलियन में और कोलाइडल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए दोनों में बिलियन और डी नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम कोलाइड बिलियन नहीं, इसको हम कोलाइडल बिलियन नहीं कहते हैं सर, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, कोलाइडल सॉल कोलाइड विसमांगी मिश्रण होते हैं जिनमें पदार्थ परिक्षेपित अवस्था में होते हैं, परिक्षेपित अवस्था मतलब सर डिस्पर्ज फेज में होता है, सारे पदार्थ परिक्षेपण माध्यम में होते हैं सर, इसीलिए सर इसको हमने कहते हैं। और एक और कंटेंट है सर इसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, ये क्यों सर, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक फेज क्षेत्र होते हैं, यस होता है, मिश्रण के घटकों के बीच पृथक्करण की दृश्य सीमा होती है, नहीं होती है सर, इसीलिए सर हम इसको कोलाइडल सॉल नहीं, आपको अगर मैं चीनी में पानी में चीनी नमक घोल दूँ तो आप नहीं पहचान पाओगे, दोनों में डिफरेंस नहीं पहचानोगे, लेकिन इसमें मिश्रण के घटकों के बीच पृथक्करण की दृश्य सीमा जो होती है वो नहीं होती है सर, क्रॉस होता है सर, यही कारण है कि सर हम कोलाइडल सॉल्स को या कोलाइडल कोलाइडल को हम बिलियन नहीं कहते, कोलाइडल सॉल और कोलाइडल बिलियन क्यों नहीं, इसलिए नहीं कहते हैं, यही रीजन है, दो रीजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको स्कूल लेवल तक आपको नहीं बताया जाएगा, ये सब बहुत सारे टीचर इसको कोलाइडल बिलियन ही पढ़ देंगे, लेकिन अलग चीज़ है। चलो अब पढ़ते हैं सर इसका हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको कैसे मालूम सर इसको डिस्पर्ज बल्स सर, डिस्पर्ज फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, अभी बुझा जाएगा आपको। इसका अंदर तो परिक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में क्या अंतर है, देखो अभी बता रहे हैं, जैसे देखिएगा आपको यहाँ पर मैं कुछ दिखाया हूँ, डिटोल इन वाटर, पानी में डिटोल घोरा गया है,
तो पानी में कहीं कहीं पर देखो ये पानी की बूंद है सर, देखो यहाँ डिटॉल कम है तो कहीं डिटॉल ज़्यादा है, कहीं डिटॉल है ही नहीं कहीं डिटॉल ज़्यादा है। पानी में कहीं कहीं पर डिटॉल ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर डिटॉल कम मिलेगा। तो ये कैसा कंपोजिशन हो गया? ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, असमान संगठन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इतना बन गया, चलो समझिए इसको, असमान संगठन हो गया। अब देखिए पानी जो था सर, हिमालय पानी था, तो पानी जो था उसमें पानी कहलाएगा आपका परिक्षेपण माध्यम। इसमें का डिटॉल कहीं पर क्या है? कहीं डिटॉल कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं डिटॉल कहीं ज़्यादा कहीं कम, डिटॉल कहीं कहीं ज़्यादा कम किसी बिंदु में, तो इसको कहेंगे डिटॉल। वहाँ पर क्या काम कर रहा है? डिटॉल काम कर रहा है परिक्षेप अवस्था का। डिटॉल किसे काम कर रहा है? डिस्पर्ज फेज का। और पानी क्या काम कर रहा है? पानी काम कर रहा है परिक्षेपण माध्यम का। क्या डाउट क्लियर हो गया बच्चों का? डाउट क्लियर होगा कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। चलिए अब डिफरेंस बिटवीन सर सॉलिड सॉल्वेंट एंड डिस्पर्ज फेज। चलो देखो, अगर कहते हैं सर विलायक में घुला हुआ विलेय जो होगा उसे कहें सर वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक। वो सिंगल फेज में होता है, जैसे चीनी जल घोल दिए अपने, ठीक। इसमें संगठन चक्र को ना चीनी सब जगह आपको बराबर मिलेगा, एक समान संगठन मिलेगा, लेकिन डिटॉल वाला गैस में तो अलग था। चलो अब परिक्षेपित अवस्था में क्या था अभी अपने, जैसे कि आपने देखे ये जो परिक्षेपण माध्यम होता है सर परिक्षिप्त होता है, और कोलाइडल में दो या दो से अधिक फेज में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने चीनी नमक पानी साथ में घोल दिया हो। कोलाइडल सॉल होमोजेनियस यानी समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। देखने में कोलाइडल सॉल को देखोगे या कोलाइडल को देखोगे आप तो लगेगा कि ये तो विलयन है, विलयन जैसे दिखेगा, लेकिन वास्तव में नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको आँख से नहीं मालूम चलता है। और कोलाइडल कण एक समान आवेश रखते हैं, सब पर चार्ज जो होता है ना चार्ज, उस पर चार्ज एक सा होता है, इसीलिए आप दूध को देखो तो सर दूध कैसा लगता है आपको? लगता है बिलियन है, लेकिन दूध तो बिलियन नहीं है। तो कुछ जब महत्व तो कैसे, क्रीम घी बहुत कुछ निकलता है कि नहीं? कुछ सारणी है आपके पास, इसको आप जरूर याद रखेंगे। देखिए अगर मैं परिक्षेपित अवस्था क्या द्रव, परिक्षेपण माध्यम क्या है गैस, और डिस्पर्ज फिर द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो जो प्रकार बनेगा वो एरोसोल बनेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में कोहरा बादल कुहासा। अगर सर परिक्षेपित अवस्था सर ठोस है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो सर आपका प्रकार बनेगा एरोसोल, धुआं स्वचालित वाहन का निथार। अगर परिक्षेपित अवस्था गैस है द्रव है तो फोम बनेगा, द्रव है परिक्षेपित अवस्था परिक्षेपण अवस्था द्रव है तो इमल्सन बनेगा। आपको ना ये चार्ट याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए परिक्षेपण अवस्था का ठोस है, परिक्षेपण माध्यम का ठोस है, तो जो प्रकार बनेगा ठोस सोल बनेगा, रंगीन रत्न पत्थर इत्यादि दूध कचिया ये सब कह सकते हैं आप। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर सोल को विशेष नाम दिए सकते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम सर वाटर हो, ठीक है, एल्कोहल हो और गैस हो। अगर वाटर हो तो सर उसको हाइड्रोसोल बोलेंगे, एल्कोहल हो तो सर उसको एल्कोसोल बोलेंगे। अगर सर डिस्पर्जन मीडियम सर डिस्पर्जन बोले तो सर परिक्षेपण माध्यम, अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है तो सर एरोसोल बोलेंगे। मजा आ गया सर, मजा आ गया, ट्रिक है, याद रखोगे ना? हाँ सर। चलो अगर परिक्षेपित अवस्था सर गैस है, परिक्षेपण माध्यम सर सॉलिड है, तो सर इसको बोलेंगे फोम। या गैस हो परिक्षेपित अवस्था या परिक्षेपण माध्यम लिक्विड, फिर भी इसको फोम बोलेंगे। ट्रिक क्या है सर? सॉलिड लिक्विड जो होगा सोल होगा, सॉलिड लिक्विड होगा तो सर सोल बनेगा, ही लो बनेगा। चलो प्रश्न है सर कि गैस में गैस कोलाइडल क्यों संभव नहीं है? गैस में गैस कोलाइडल संभव क्यों नहीं है? क्योंकि गैस में गैस समांगी मिश्रण है, और इसलिए आपको उसमें हाइड्रोजनस चाहिए। कोलाइडल सोल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, कोलाइडल समांगी प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में विषमांगी होते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कि कोलाइडल सोल में विलायक जैसे घटक को परिक्षेपित अवस्था कहते हैं, कोलाइडल सोल में विले जैसे कंपोनेंट होते हैं को परिक्षेपित अवस्था कहते हैं, और परिक्षेपण माध्यम सतत अवस्था होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यही कोलाइडल सोल में विलायक जो होते हैं जैसे घटक को परिक्षेपित अवस्था कहते हैं। अगला सवाल है सर जी, यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है तो कोलाइडल सोल का निम्न में कौन सा निम्न में नाम क्या होगा बताइए? तो बी भरत है ना सर, कोलाइडल सोल तो उसको बोले एक्सोसोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सोसोल। सॉप लेदर इज द टाइप ऑफ इन द डिस्पर्ज इसमें और एडाडोडोट डिस्पर्जन मीडियम बताना आपको, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो वाटर सॉप लेदर जो होगा सर उसको फोम बोलेंगे, और ये टाइप होगा सर गैस वाला लिक्विड वाला होगा, उसमें सर डिस्पर्जन मीडियम सर गैस होगा और
डिस्पर्जन डिस्पर्जन मीडियम सर उसका गैस होगा और डिस्पर्जन मीडियम सर उसमें लिक्विड होगा। ऑप्शन सी किसान जाइएगा। दूध एक प्रकार का होता है, जल में तेल इमल्सन, तेल में इमल्सन में पानी, और वॉयल इन वॉयल वाटर इमल्सन बोल सकते हैं इंग्लिश में, वाटर इन वॉयल इमल्सन, सॉल और जेल। तो इसको बोलिएगा सर वाटर इन वॉयल इमल्सन, अर्थात तेल में इमल्सन में पानी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ भी आंसर। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, कुछ ऑब्जेक्टिव किया। अब पढ़ेंगे सर हम लोग गुण। किसे गुण हम पढ़ेंगे सर? कोलाइडल गुण क्या होता है सर? पहला गुण के विस्मागी मिश्रण ने बता दिया हूँ। साइज इसका सर 1 नैनोमीटर के आसपास होता है सर, 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। और कोलाइडल कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसको पृथक रूप से आंखों से नहीं दिखता। अब आंखों से दिखने इतना छोटा होता है ना साइज, नहीं है हेट्रोजीनियस लेकिन आंख से नहीं दिखता है। और ये इतने बड़े हो इतने और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग दृश्य बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा, पानी में थोड़ा डिटॉल, मेरे पास अभी एक्सपेरिमेंट में था नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं थोड़ा भूल गया। अब पानी आप घर पर कीजिएगा, क्या करना है आपको, पानी लेना है गिलास में, कांच के गिलास में, और एक इरेजर लाइट चाहिए। मेरा इरेजर लाइट थोड़ा ख़राब हो गया, नहीं मिल रहा है, मैं आपको अगले लेक्चर में इसका एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा। इरेजर लाइट चाहिए, लेजर लाइट जिसको हम बोलते हैं, लेजर लाइट रहता है ना जो लाल लाल बढ़ते हैं बड़े दूर तक, तो उसका लाइट जाता है, फोकस होता है। और पानी में थोड़ा डिटॉल मिला दीजिएगा और उसको आप टर्च बढ़िएगा, आप उसका रास्ता देख पाएंगे, यानी किरण का रास्ता देख पाएंगे। यही क्या है इसको बोलते हैं बच्चे जी, उसका मार्ग आप देख सकते हैं रास्ते का। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये तरल में बढ़ जाते हैं अर्थात स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया सकते हैं किंतु विशेष विधि द्वारा उपकेंद्रीकरण तकनीक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टिंडाल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे सर। चलो क्या होता है टिंडल प्रभाव? प्रकाश का मार्ग तब दिखाई देता है जब वो माध्यम कणों द्वारा विक्षेपित या बिखरा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं सर टिंडल प्रभाव। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं जब प्रकाश कण वायु में उपस्थित धूल कणों से टकरा कर अपनी दिशा में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी डिफिनेशन कहलाएगा टिंडल प्रभाव का। चलो कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। किस कहते हैं मक्खन किस प्रकार का कोलाइडेबिलियन है? तो आपको बताया था जेल वाला ही है। निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? मिल्क, धूम्रपान, सोडा वाटर, डिटॉल मिक्स इन वाटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडा वाटर। चलो ये कुछ प्रश्न है आप जरूर कर लीजिए इनको, ये आपके अभ्यास के लिए है। अब पढ़ेंगे सर हम टिंडल इफेक्ट के बारे में। वही बात है सर, प्रकाश किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। चलो अब सर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट का पढ़ते हैं सर। कभी आप कमरे में देखिएगा धूप का कहीं छिद्र होगा, कहीं मरई में बैठे होंगे आपका कुछ उसमें छिद्र होगा, सूर्य का प्रकाश आता है ना तो उसका लाइट दिखता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, वही टिंडल इफेक्ट है सर। सुबह सुबह को बगीचे में गए तो बगीचे में जो सूर्य के प्रकाश आते हैं तो उसकी प्रकाश की रास्ता दिख जाता है, वो भी सर टिंडल इफेक्ट प्रभाव क्या है सर प्रकार है। अब सर हम पढ़ेंगे सर सस्पेंशन के बारे में। निलंबन क्या है सर? तो निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिससे विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में पूरे हिस्से में निलंबित रहते हैं। जैसे आप क्या किए पानी में सर अपने मिट्टी डाल दिया, थोड़ी देर के लिए घुलेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ देर के बाद उसका जो कण होगा नीचे बैठ ही जाएगा, यही निलंबन है, बहुत ईजी है। चलो आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सर। आप पानी है सर उसमें अपने मिट्टी डाला, मिट्टी तो कुछ देर तो दिखेगा सर बिलियन बन गया, लेकिन थोड़ा देर छोड़ देंगे तो देखेंगे वाटर पर ऊपर हो जाएगा, मिट्टी नीचे चला गया। या सर आप इसमें दो माध्यम दिख रहे हैं सर, मिट्टी अलग है तो जिसमें माध्यम अलग अलग दिख जाए निलंबन है। यहाँ देखिए सर वाल में पानी डालिए सर, पानी नीचे रहेगा वाल ऊपर रहेगा, ये भी अब सर माध्यम दोनों क्लियर दिख रहा है। ये सारे एग्जाम्पल है सर निलंबन के। सर इसके गुण क्या है सर? इसके गुण देख लीजिए, इसके गुण है बच्चा जी मिश्रण की प्रकृति हमेशा विस्मांगी होती है, बहुत अच्छा। और इसे जो कणों का आकार सर होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है सर, जो खुली ये कण आँख से देख सकते हैं दिख जाता है इसीलिए। और ये सर फिल्टर इसको सर अब क्या अलग कर पाते हैं सर? इसको सर इसमें निस्पंदनीयता का गुण होता पाया था इसलिए, यानी इसको हम अलग कर सकते हैं सर, इसको फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं फिल्टर पेपर की मदद से या परागमय झिल्ली से, यानी सेमी परमेबल से, यानी अर्ध परागमय झिल्ली इसको हम क्या बोलते हैं सेमी परमेबल से, इसको हम सर अलग कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं इसमें बिल्कुल सर। कणों की दृश्यता निलंबित कणों की आंखों से दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे। इस स्थान में छोड़ देने पर इसके कण जो पार्टिकल नीचे बढ़ जाते हैं,
अर्थात ये अस्थाई है सर, अस्थाई होता है इसलिए अस्थाई नहीं है। आप चीनी नमक घोल दो, नमक पानी में घोल दो, आपका नमक कभी नीचे नहीं बैठेगा क्योंकि अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। कुछ सवाल है सर इसके भी आप जवाब दे के जाइएगा, ऐसे आंसर यहाँ नीचे लिखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके हैं तो आपको ही करना चाहिए, समझो कि आपके होमवर्क में। चलो सर अब थोड़ा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अगर सर मिश्रण की प्रकृति बीस मांगी होगी तो सर उसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल होगा सर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, और निलंबन होगा तो 1000 से अधिक। ठीक है सर, चलो पार्टिकल साइज हो गया। इसको सर फिल्टर पेपर से सर अलग कर सकते हो समांगी मिश्रण को? नहीं। बिस्मा कोलाइडल को? नहीं सर, लेकिन इसको सर कर सकते हैं। हाँ हाँ यस सर। इसको सही परिवार से अलग कर सकते हैं? नहीं। इसको सर यस, इसको हाँ, बिस्मा कर सकते हो और हेट्रोजीनियस से भी होता है। हाँ सर ठीक है सर। अब चलो टिंडल इफेक्ट, इसमें सर नहीं, कोलाइडल में हाँ और सस्पेंशन में हाँ, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े बड़े होते हैं इसीलिए। सर क्या आपको खुली आंखों से देख सकते हो? तो नहीं नहीं, और इसको यस सस्पेंशन देख सकते हो। अरे जब पानी में मिट्टी घोले होता है तो दिख जाता है, निलंबन में नहीं दिखेगा लेकिन बिलियनों में नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप से सर नहीं देख सकते हो? नो नो। इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो। स्टेबिलिटी स्थिरता कैसे होती है सर? ये स्थिर होता है, यानी सर ये स्थायी होता है, ये भी अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। तो सर इसको आप लिख सकते हो अस्थायी, स्टेबल मतलब स्थिर यानी अस्थायी, अस्थायी अस्थायी और ये अस्थायी हो गया। चलो अब सर इसकी अपीयरेंस क्या होती है, उपस्थिति क्या होती है? ये पारदर्शक होते हैं, ये पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों होते हैं, और ये अपारदर्शक होते हैं। कुछ सवाल के जवाब दे के जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, दो ऑप्शन इधर है तो दो ऑप्शन इधर है। सर इसकी क्या इसको मैं अभी कर लेता हूँ, इसको छोड़ दिया जाए, कितना पढ़ा है आपको नोट्स भी बच्चे मांगने के लिए। चलो मैं सोचता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं कि यहीं पर रख दूँ, सेपरेशन अलग कल से ही पढ़ लेंगे ठीक रहेगा। चलो दो लेक्चर और ले लेंगे तो हो जाएगा, सेपरेशन कल यहाँ से पढ़ेंगे तो लेक्चर 4 आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर ध्यान से देखिएगा, नोट्स पढ़िएगा अपना, और अपने अपने NCERT जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट में आपके सारे प्रश्न बेस कराया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको क्वेश्चन ऐसा कराया जाएगा, अभी तो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।